सतर्कता और कायाकल्प की नीति नई शुरुआतों के साथ ही कोतवाली परिसर उमरिया में नए वॉलीबॉल प्ले ग्राउंड का शुभारंभ कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर एवं एसपी ने मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर की गई। तत्पश्चात कलेक्टर एवं एसपी ने ग्राउंड पर पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया एवं रिबन काटकर खेल का शुभारंभ किया। वॉलीबॉल प्ले ग्राउंड शुभारंभ कार्यक्रम में कलेक्टर एसपी सहित पहुंचे गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों, खेल प्रेमियों ने नवागत नगर निरीक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा कोतवाली परिसर में किए गए कायाकल्प की भरपूर रूप से सराहना की। गौरतलब है कि नवागत नगर निरीक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने उमरिया कोतवाली का पदभार जब से ग्रहण किया है, हर पल हर दिन परिसर को सजाने संवारने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिसिया कार्यवाही में थाने में जब्त तीतर भीतर खड़े वाहनों को व्यवस्थित जगह देकर कोतवाली परिसर को नया रूप दे दिया गया है। देखिए, इस समय जैसे आप लोगों को विदित है कि कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी का सबसे बढ़िया इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए खेलकूद शारीरिक रूप से सक्षम होना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यंग और प्रतिभावान और खेल के प्रति सद्भावित हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जो खेल के प्रति मोटिवेशन करते रहते हैं, तो उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि हर थाने में वॉलीबॉल का ग्राउंड बने, इंडोर आउटडोर स्टेडियम खेल का ग्राउंड तैयार हो। तो उनके निर्देश के पालन में मेरे द्वारा एक कोतवाली परिसर में वॉलीबॉल का ग्राउंड का निर्माण कराया गया है और आज पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। आवाज़ के बाद से बिल्कुल सतत हमारे थाना परिसर में थाना स्टाफ एवं पब्लिक जनता के अन्य खिलाड़ियों के साथ लगातार टाइम निर्धारित करके वॉलीबॉल खेली जाएगी और शरीर स्वस्थ रखने के लिए वॉलीबॉल के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज भी जारी रखी जाएंगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से राजा तिवारी की रिपोर्ट।